Hi guys, hopefully you like the first two videos of our trip to Mahabaleshwar. Here is a third one for you where we are returning home. So this is going to be Mahabaleshwar to Mumbai. So please this video ko end tak dekhiye, and if you're new to the channel, don't forget to subscribe to our channel guys. So guys, it's 3:25 right now, 3:25 PM right now, aur hum log nikal gaye hai from Panchgani. We are heading back to Mumbai. We'll be taking the same route that we came in from. क्योंकि एक दूसरा रोड बता रहे हम लोगों को फ्रॉम महाड़, बट देन वी डोंट वांट टू टेक दैट रोड बिकॉज द होटल गाय वाज टेलिंग अस कि वो वाला रास्ता थोड़ा सा ख़राब है. तो टेक द रूट दैट यू केम फ्रॉम. तो इसके लिए हम लोग वो रूट नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द सेम रूट दैट वी केम टू पंचगनी फ्रॉम, विच इज़ फ्रॉम कातरज, वाई कातरज. तो हम लोग वही रूट से वापस जा रहे हैं. तो यार द जर्नी बिगिन, सो बने रहिए हमारे साथ में. एंड इफ़ यू आर न्यू टू योर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मजा आने वाला है. इट्स 3:45 एंड मी एंड मंदार जस्ट फ्यूल्ड अप द बाइक. थोड़ा 15 मिनट डिले हो गया हमारे निकलने में बिकॉज माय मोटरसाइकिल वाज गिविंग सम प्रॉब्लम्स. थोड़ा स्टार्ट होकर अचानक बंद हो जा रही थी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया. अभी हम लोगों को, सो वी हैव अनदर 260 मोर किलोमीटर्स टू गो. टैंक फुल हो गई है, निकल चुकी है. अभी पंचगनी पहुँचेंगे थोड़ी देर में. कोशिश तो यही रहेगी कि जितना हो सके उतना जल्दी उजाले में कवर अप कर ले, फिर आगे देखते हैं. सो हम लोग रुके थे फ्यूल भराने के लिए. इट्स 3:55 राइट नाउ एंड वी आर नाउ इन द पंचगनी सिटी. तो पंचगनी से सिटी होके फिर दिस रोड इज गोइंग टू टेक अस टू द सातारा हाईवे एंड फ्रॉम देयर वील कंटिन्यू जर्नी टू कातरज, कातरज से फिर देव रोड, वहाँ से लोनावला होके मुंबई. क्रेजी थोड़ा यार, मूड अपसेट हो गया था. बाइक ने थोड़ा प्रॉब्लम दिया, शायद कार्बोरेटर में कचरा गया है कि पता नहीं, पर होपफुली यू नो शुरू हो गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन आवर वे. थोड़ा 10-15 मिनट का आगे पीछे हुआ पर इट्स ओके. फ्यूल अप हो गई है, अभी सीधा इंशाल्लाह आराम से घर पहुंच जाएंगे. और जैसे ही वो पेट्रोल पंप से निकले हम लोग और ये पंचगनी के बाद ये वादियाँ जो स्टार्ट हो गई है, घाट जो है, माइंड फ्रेश हो गया. हम लोग का अभी ETA दिखा रहा है 5 hours and 32 minutes एंड अनदर एग्जैक्ट 250 किलोमीटर्स टू गो. तो हम लोग अभी पंचगनी से नीचे उतर रहे हैं. वी आर ऑन द पसरनी घाट और ये रोड, ये मोटरसाइकिल के साथ में अगर हमारा कोई और साथ दे रहा है तो ये है ये ब्यूटीफुल नज़ारा. ये देखिए, इट्स एन अमेजिंग व्यू. आई मीन महाबलेश्वर इन इटसेल्फ इज़ एन ब्यूटीफुल प्लेस गाइस. आई मीन इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू गो टू माउंटेंस, आई थिंक महाबलेश्वर इज़ द प्लेस. लुक एट द व्यू एंड द कंडीशन ऑफ द रोड भी बहुत अच्छी है, कुछ खराब रोड नहीं है कहीं पर भी, गुड रोड्स. बोलते ना वेन यू आर ऑन अ रॉयल एनफील्ड यू ऑलवेज हैव कंपनी. अपना भाई मंदार तो है ही, पर आगे देखो दो और भाई इंटरसेप्टर वाले मिल गए. और ऐसे टाइम पे कोई एक दूसरे को वो नहीं करता है, मतलब सपोर्ट होता है एक दूसरे का. कॉर्नरिंग करने कितनी मजा आ रही, देखो वाओ amazing and I'm sure Mandar is also going to shoot it. I'm sure about it. इसलिए बोलते रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड नहीं, एक फैमिली है. तो वाई क्रॉस करने के बाद में सातारा हाईवे आने तक ये ऐसा ये सिंगल रोड हाईवे आपको मिलता है. यू हैव टू टेक द हाईवे, यहाँ से ये हाईवे अपने को ले जाएगा सातारा हाईवे और फिर वहाँ से वी कैन टेक द सेम रोड टू कातरज. और अभी हो रहा है 4:30 और वी स्टिल हैव अनदर 240 किलोमीटर्स टू गो.
तो टाइम हो रहा है 4:41 और हम लोग अभी है सातारा हाईवे पर। 234 किलोमीटर्स है यहाँ से मुंबई, और ये रोड अभी कातरा चौके लेके जाएगा हमें देहू रोड तक, वहाँ से देन वील कंटिन्यू ऑन द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। 4:45 PM और हम लोग है नेशनल हाईवे 48 पे, और यहाँ से और 5 घंटे की जर्नी है 227 किलोमीटर्स। मतलब पूना एंटर किया हम लोग ने महाबलेश्वर से निकलने के बाद, मतलब एग्जैक्ट सिटी लिमिट के बाद हम लोग को है एग्जैक्ट 203 किलोमीटर्स, विच विल टेक अनदर 4 hours 38 minutes। नॉट बैड। और मंदार का ये इशारा था कि चाय पीनी है बिकॉज इट्स टी टाइम। इट्स 5:40 PM एंड वी हैव रीच्ड द शिवापुर टोल। फ्रॉम हियर द जर्नी इज फॉर अनदर 4 hours and 15 minutes। And we've got another 182 kilometers. You know, जब स्कूल में थे तब स्कूल में ज्योग्राफी में होता था सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो तभी सिंस वी वर इन स्कूल वर नॉट कि जस्ट पढ़ाई के लिए पढ़ लेते थे, पर आज ये देखिए, लुक एट द रेंज ऑफ माउंटेन्स गाइस, दिस इज द सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स, अमेजिंग। और ऐसा कहता है कि ये तो हिस्ट्री में है ऑफ कोर्स, कि इन सह्याद्रीज की वजह से ही इट वाज डिफिकल्ट फॉर एनी इन्वेडर्स टू कम इनटू महाराष्ट्र। तो अमेजिंग, लुक एट देम, एवरी सराउंडेड एवरीवेयर बाय सह्याद्री माउंटेन्स। होप यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका है और 4 घंटे की और राइड बाकी है। सभी कातरज क्रॉस किया हमने, फिर अंबेवाड़ी करके एरिया आया, एंड नाउ हियर इट्स अनदर 169 किलोमीटर्स फॉर अस। वहाँ लिखा था डू नॉट स्विच ऑफ इन द इंजन, मैंने देखा था, सुना है, मतलब बहुत लोग है ना न्यूट्रल कर देते हैं, सोचते हैं थोड़ा फ्यूल बचेगा, पर न्यूट्रल करने से क्या होता है ना, यू आर ड्राइविंग डाउन द हिल, ग्रेविटी की वजह से आप एकदम मोशन में है। गियर में रखना क्यों होता है गाड़ी, क्योंकि एक आपका जो फर्स्ट या सेकेंड गियर है वो एक लिमिटेड स्पीड तक ही गाड़ी को चलने देगा। वो गाड़ी को अगर सेकेंड गियर में अगर आपकी गाड़ी 40 तक ही जाती है तो 40 पे ही जाएगी, सो दैट हेल्प्स यू कंट्रोल द स्पीड। अभी क्या थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, तो कुछ आपको दिखा नहीं पाते ना हम लोग। तो सीगढ़ आ गया, सीगढ़ इज एन एरिया इन पुणे। होप यू कैन सी द गोल्डन लाइनिंग, सनसेट हो रहा है। तो टाइम हो रहा है 6:05 और हम लोग पहुंचे हैं पुणे, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली इन पुणे, इट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। और यहाँ से ट्रैफिक है, सॉरी, थोड़ा यहाँ से थोड़ा जगह बना लेता हूँ। ओके, यहाँ से और एक 166 किलोमीटर है अपना घर, तो भी शायद क्या है कि इवनिंग में ये जो ट्रैफिक है जो हर सिटीज़ में कॉमन होता है, आपके शहर में भी शायद होता ही होगा, तो बस वैसे ही समझो ये भी ट्रैफिक वैसे ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि आज क्या है, वीकडे है, वीकेंड नहीं है, बट चलता है, काट लेंगे। तो बस वही बताना था आपसे, अंधेरा भी हो रहा है धीरे धीरे, अनफॉर्चुनेटली लेट हुआ वहाँ से निकलने के लिए, बट सो फार सो गुड। इट्स 6 PM और हम लोगों ने कोथरूड जस्ट क्रॉस किया,
another 3 hours and 45 minutes of riding. 158 kilometers left to go, and we'll reach home. अगर कोई halt नहीं लेते, at 9:45 PM. So far so good. But ये जो patch आया है अभी फिलहाल 8 किलोमीटर का, इसमें बहुत मतलब ट्रैफिक मिली है, बहुत नहीं होता पर ट्रैफिक मिली है. और उसके बाद अब ये स्मूथ रोड है, ये जाते वक्त हम लोग को बहुत खाली मिला था एक्चुअली. 6:50 PM और हम लोग पहुंच गए हैं देहू रोड. यहाँ से वी हैव अनदर 3 hours and 18 minutes, 137 किलोमीटर्स टू गो. देहू रोड के जस्ट थोड़े पहले हम लोगों ने एक 10 मिनट का हॉल्ट लिया, जस्ट टू हैव टी एंड फ्रेशन अप एंड जस्ट टू वेट फॉर द ट्रांजिशन. मतलब कि जब पूरा सनसेट कंप्लीट हो जाए, एकदम अंधेरा हो जाए, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाइल राइडिंग, क्योंकि योर आईज हैव टू एडजस्ट टू ए पर्टिकुलर लाइट और डार्कनेस. अचानक आप उजाले से अंधेरे में आओगे तो यू हैव टू बी केयरफुल. So it's 7:30, almost 7:30 in the evening right now, and we are still on the way to Mumbai. We are now reached Lonavala. We are crossing Lonavala, and Mumbai is another 120 kilometers from here. तो क्योंकि अंधेरा है तो गाइस ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पा रहे. We apologize for this. But then हाँ, अभी थोड़ी सी यहाँ पे रोशनी है Lonavala की, तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ. तो ओके, सो आगे बढ़ते हैं. आगे अगर कहीं और लाइट अगर दिखती है तो फिर आई विल मीट यू गाइस. शेडुंग टोल और यहाँ से भी फटफट पनवेल आ जाएगा. So from Shedung toll we have another 63 kilometers to go, and it's gonna take 1 hour and 36 minutes. Finally we have reached Panvel, and this road that it goes to JNPT, par uske pehle humare ko Mumbai ke liye ek exit dega. We have another 57 kilometers and 1 hour 27 minutes.